हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कल हमने बात करी थी अदर फैक्टर्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी थी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी की बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है जैसे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोई लेटर सपोज आपके पास ये एक बॉन्ड है ए और ये बी तो क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड जो है ये आपके सेम एलिमेंट तो नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर इले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की आपके पास एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपके पास जो दोनों एलिमेंट है ना ये आपके बॉन्डेड फॉर्म में होने चाहिए और दोनों ही डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर क्या होता है जैसे ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड गिवन है तो दोनों ही अलग अलग हैं तो इसमें से एक की टेंडेंसी ज़्यादा होगी अट्रैक्ट करने की लेटर सपोज यहाँ पर बी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो ये इस पर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसी तरीके से ये डोनेट कर रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो होता क्या है यहाँ पर इस टेंडेंसी की वजह से आपके पास क्या होता है कि ये ही आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रही होगी इसी वजह से इसने अपने पास शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट किया तो इसीलिए यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी यही होती है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इसको आपको और अच्छे से समझना है तो आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपस में मिलके कोई बिजनेस खोल रखा है ठीक है ठीक तो जब बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ अच्छा चलने लगा उसमें से एक फ्रेंड आपका होशियार था चलाब था और दूसरा आपका बेवकूफ था तो क्या हुआ कि जो होशियार वाला होगा उसके पास वो क्या करेगा सारे जो भी उसके बेनिफिट हो रहा होगा प्रॉफिट वाला वो अपने पास रखने की कोशिश करेगा तो उसी तरीके से कुछ इस, इसमें भी यही होता है कि जो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो चाहते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर ले तो यही होता है आपका इलेक्ट्रो में ठीक है तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स कि ये कौन से फैक्टर्स पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपकी साइज पर कैसे डिपेंड करती है तो फर्स्ट फैक्टर है आपका साइज ठीक है और दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे इसमें Z इफेक्टिव जो आपका होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही फैक्टर्स हम सारे सारे जितने भी हमने एलिमेंट्स जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हमने सब में यही फैक्टर्स डिस्कस किए ना साइज वाला डिस्कस करते थे हम और इलेक्ट्रॉन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस करते थे यहां पर भी हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे पहले तो क्या होता है जो आपका साइज से वेरिएशन जब होता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एक बात और आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हो आप शाही से कुछ इस तरीके का आपका सिंबल होता है ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर इलेक्ट्रो ठीक है इसको आप क्या कहते हो इसको आप कहते हो शाई ठीक है और जब आप यहाँ पर देखोगे तो हमें बताना है साइज़ का क्या वेरिएशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जैसे कि आपको पता है जैसे फ्लोरीन होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ से कैसे वेरी करती है जो उसकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेड पेयर पे। तो एटम जितना छोटा होगा तो बाहर वाली शेल्स पे न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा ही लग रहा होगा तो क्या होता है कि साइज़ जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आपको क्या वेरिएशन निकल कर आता है यहाँ पर आपके पास वेरिएशन निकल कर आता है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होता है यहाँ पर आपके पास कुछ इन्वर्स रिलेशनशिप निकल कर आता है फॉर द इलेक्ट्रो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है हमें ये बात पता है कि हमारा लीदियम क्या होता है स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड पीरियड का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होता है फ्लोरीन का साइज छोटा होता जाता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर और साइज छोटा होने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है उसी तरीके से जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो डाउन द ग्रुप आने पर आपका क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज करती है क्योंकि आपका साइज जो है वो आपका डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज करता है तो so, ओवरऑल आपके पास साइज से इसका इनवर्स रिलेशन निकल कर आता है दूसरा जब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही बाहर वाली शेल पे आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस का और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वर्ड इट्स तो Z इफेक्टिव से आपका क्या होता है यहां पर आपके पास डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आता है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ये आपका रिलेशन होता है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से तो इन दोनों फैक्टर्स को जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास क्या आता है जब आप यहाँ पर लिखोगे तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी z इफेक्टिव से और आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज से तो इन दोनों ही फैक्टर्स को आप कंबाइन करके देखते हो कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कहीं पर भी क्या रही होगी तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर और थर्ड फैक्टर जब आप इसकी बात करते हो हम थर्ड फैक्टर यहां पर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर यहां पर कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहां पर आप सिंपली लिखोगे कि नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो है ये सिर्फ आपके साइज और चार्ज के रेशियो पर ही डिपेंड करती है तो आपको बस यही दो फैक्टर्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस आपको इतना ही देखना है इसके बाद हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपेयर कैसे करते हैं तो यानी कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहां पर हमें इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो कैलकुलेशन होता है सबसे पहले आया था आपका मूलिकन्स स्केल में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आपकी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करते हो तो मोलिकन्स ने क्या था एक फॉर्मूला दिया था फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने कहा था इट इज डायरेक्टली इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिवाइडेड बाय टू ये मोलिकन्स ने फॉर्मूला दिया था फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन वैल्यू ये है आपका मुलिकन्स फॉर्मूला ये वैल्यू आपकी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होंगी फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप उन दोनों की वैल्यूज को डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो ये तो आपका रहा फर्स्ट मेथड और दूसरा आपके पास क्या था दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट आया था जो था आपका पॉलिंग्स स्केल Ballings ने क्या बोला था इसने हमें दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताना बताया था कि कोई आपको अगर बॉन्ड गिवन है तो आप उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आप कैसे बताओगे जैसे कि लेटर सपोज इसने कुछ ऐसा एज्यूम किया था कि आपके पास ए और ये जो बी बॉन्ड है तो इसमें कुछ इसकी एक की ज्यादा रहती है इलेक्ट्रोनिगेटी और दूसरे की कम रहती है तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है एक में पॉजिटिव पार्शियल आता है एक में पार्शियल नेगेटिव आता है तो इसने कहा था कि जो ए और बी ये जो बने होंगे ये कुछ इस तरीके से किसी बॉल्ड को ब्रेक कर कर आपके बन रहे होंगे यानी कि इसने कुछ हमसे कहा कि ये कुछ ए टू प्लस बी टू वो इस तरीके से फॉर्म करके ये आपका आपका ए भी कुछ इस तरीके से आपका बन रहा होगा और हमने कहा था कि हमने देखा था कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों की यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कुछ चाय से रिप्रेजेंट करते हैं तो चाय ए और इसकी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ चाय बी करके होगी तो जब हम इसने हमें क्या एक रिलेशन निकाल कर दिया था कि जब हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप निकालोगे है ना जो कि आपके बराबर होगी किसके चाई ए माइनस एक फॉर्मूला हमें निकाल कर दिया था जो था आपका पॉइंट जीरो वन सॉरी ये आपका था वन पॉइंट जीरो वन अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई ये हमारा इसने पॉलिंग्स ने एक हमें रिलेशन दिया था इस रिलेशन के थ्रू ही हम निकालते हैं कि हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहा होगा अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास डेल्टा ई क्या होता है डेल्टा ई हमें यहाँ पर क्या होता है डेल्टा ई जो होता है ये बराबर होता है आपके पास ये जो ए बी बॉन्ड गिवन है इसकी बॉन्ड एनर्जी ये आपकी ए बी की बॉन्ड एनर्जी माइनस आप इसमें क्या करते हो इसमें आप माइनस करते हो अंडर रूट ऑफ ये जिस बॉन्ड से बनी है ए टू और बी टू तो यहां पर आप इसमें माइनस करते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी कुछ आप इस तरीके से यहां पर इसकी बॉन्ड एनर्जी आप कैलकुलेट करते हो और ये आपका डेल्टा ई e की वैल्यू यहां पर होती है तो इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो डेल्टा ई e है यहां पर वो आपकी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि ये जो डेल्टा ये जो ई e ए है ये यह यहाँ पर जो ई ए बी है आपका ये होता है आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये होता है बॉन्ड एनर्जी इसको आप ई e से रिप्रेजेंट करोगे ऑफ ए बी बॉन्ड ए बी और ये क्या होता है आपका किलो जूल पर मोल में आप इसको कैलकुलेट करते हो ये होता है फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी इसी तरीके से ये जो ए ए है आपका ये ए ए होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू बॉन्ड ये भी आपका क्या होता है किलो जूल पर मोल में सिमिलरली आपका जो ई बी बी गिव है यहां पर ये आपका होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू बॉन्ड ये भी आपकी होती है किलो जूल पर मोल में तो ये है आपका पॉलिंग्स का फॉर्मूला कि इस फॉर्मूला को आप पुट कर कर आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन होंगी और आपको उसको सिंपली इसमें पुट करके आप इजीली निकाल सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ रहा होगा तो ये है आपका पॉलिंग्स स्केल अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिंग्स ने क्या था कि हमें कुछ जनरल वैल्यूज दे दी थी फॉर इलेक्ट्रो जो हमें याद करनी होती है तो उसने क्या था ये कुछ वैल्यूज है फॉर इलेक्ट्रो यहां पर आप लिख लो कि ये आपका है एलिमेंट और ये आपकी है इलेक्ट्रो की उनकी वैल्यूज तो यहां पर आपको ये चीज जो है इतना आपको ये कुछ वैल्यू सात आठ एलिमेंट्स की गिवन है ये आपको ध्यान में रखनी है फ्लोरीन की आपकी फोर होती है और आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की यहाँ पर आपकी होती है कुछ फोर थ्री से कम होती है आपकी थ्री पॉइंट एट के अराउंड होती है ये वाली वैल्यू value. ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है ये आपकी पॉलिंग्स की कुछ उसने जनरल वैल्यूज आपको यहाँ पर दे दी थी तो ये यहाँ पर आपको लर्न करनी है ज्यादा कुछ वैल्यूज नहीं है आप कुछ सिर्फ छह सात वैल्यू गिवन है ये आपको यहाँ पर लर्न करनी होती है ठीक है तो ये है हमारी पॉलिंग्स की वैल्यू और इसके बाद हमें देखना है एक और हमारे पास स्केल आया था वो था हमारे पास ऑलरेड रोशो स्केल तो थर्ड हमें हेडिंग डालनी है थर्ड है हमारा ऑलरेड रोशो स्केल ये आपका ये भी आपका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए तो यहाँ पर आप क्या करते हो इसने भी एक फॉर्मूला दिया था फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका फॉर्मूला था पॉइंट थ्री फाइव नाइन इंटू में Z डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसमें आप ऐड करते हैं पॉइंट सेवन फोर फोर ये आपका था ऑलरेड रोशो स्की यहां पर ये आपकी वैल्यूज आती हैं और यहां पर आपके पास जो Z होता है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और यहां पर जो R होता है आपका ये होता है आपका एटॉमिक साइज जैसे आपको एटोमिक रेडियाई वगैरह कुछ भी गिवे हो एटोमिक रेडियस वही आपकी क्या होती है यहाँ पर एटोमिक साइज जो कि आप यहाँ पर आर की वैल्यू में पुट करते हो तो आपको यही दो वैल्यूज अगर गिवन होंगी तो आप यहाँ से ऑलरेड रोशो स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इजिली कंपेयर कर लोगे तो ये थी हमारी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के फॉर्मुलाज तो यही आपको इतना ही पढ़ना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट बस आपको मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बताना है मुझे जो कि आपका बीच में मिस हो गया था तो यहां पर आपको बस इतना आपको बताना है कि जैसे आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आप कैसे निकालते हो तो बस उसका ही एक आपका फॉर्मूला रह गया था बीच में तो क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड ये आप कैसे निकालते हो इसका आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है आपके पास जैसे पीरियड नंबर आप निकालते हो तो कैसे होते हैं एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपका जब यहां पर दो केसेस बनते हैं जब वेन एन इज ऑड यानी कि जब पीरियड की वैल्यू ऑड होगी तब आपके पास जो वैल्यू आती है और इसमें आपके पास तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालते हो इस फॉर्मूला से एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जब एन की वैल्यू ऑड होती है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो और दूसरा जब आपकी एन की वैल्यू इवन होती है दूसरा केस होता है व्हेन एन की वैल्यू आपकी इवन होती है तब आप यहां पर कैलकुलेट करते हो एन प्लस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो ये दो फॉर्मूला है बस यही दो फॉर्मूलाज आपको यहां पर लर्न करने हैं इससे आप डायरेक्टली अपने पीरियड की वैल्यू पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो बस यही था लास्ट आपको जो मुझे बताना था यहां पर आपका पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ठीक है